Hey guys, welcome back to my channel, Kevin K Vlogs। दोस्तों मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी बाहर बन रही है मॉर्निंग की फर्स्ट चाय, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और अभी दिन के नाश्ते के लिए बन रहा है भटिया, यानी दिन के खाने के लिए आज अथवार बार है, बंद है, इसलिए आज भटिया का आनंद उठा रहे हैं। तो आज हम सुबह नहीं खाएंगे खाना, सीधे दिन में खाएंगे, क्योंकि दिन में के लिए भटिया बनने जा रहा है। और अभी बन रही है चाय, जो कि ये दूसरी चाय है मॉर्निंग की। पहली चाय काली होती है, आपको पता होगा, दूध वाली। और अभी गलती से मेरे मुझे नाश्ता निकल गया जिनका, यानी कि दिन का होता है खाना होता है, तो सॉरी उसके लिए, नहीं तो कमेंट में लोग बोलेंगे भाई तुमने सब नहीं दिया। तो कुछ बोलना आज अथवार बार आज भटिया का आनंद लेते हैं, और इसको भटिया अच्छा लगता है कमेंट करना। और एक चीज और कि आज मार्केट बंद है, यानी कि लास्ट डे 2 दिन मार्केट बंद रहते हैं ना, अतवार को बंद रहता है, अतवार और उससे पहले वाला कुछ दिन संजर बार को होटल नहीं रहते, खाली अतवार को रहती है और दुकानें रहती है संजर बार को। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो पापा कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहोगे क्या? बात हुई देख के खुश हो? कोई खबर भी नहीं आ रहा, काम में लगा रहता, भजिया बना रहा। आज आराम करो, आराम करो, खाएगा खा के। आज एक दिन छुट्टी का है भाई, सब पूरा मार्केट बंद है, तो हमारे भी तो नियम का पालन। तो गाइस कई लोग बोलेंगे कितने जोर से की होते हैं, तो बता दो पापा का अलग कान थोड़ा बहुत कम सुनते हैं, पहले से बचपन से ही पापा कान कम सुनते हैं, इसलिए जोर से बोलता हूँ। बोल हाँ, नहीं तो फिर कई लोग बोलते हैं भाई यार इतने जोर से क्यों बोलते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियो बने इंस्टा फॉलो करने के लिए यूके वाला केविन, और फेसबुक फॉलो करने के लिए केविन। और उसे कहा तो छुट्टी के दिन, जिस दिन सबकी छुट्टी होती है उस दिन भटिया बना के भटिया का आनंद लिया करो, भटिया बहुत अच्छा होता है जी। तो वीडियो बने रहिए। बन गई है मॉर्निंग की चाय, बन के आ चुकी है, जो कि मम्मी के हाथों से है। किसके हाथों से? मम्मी तो तेरी सेवा करती है। धन्यवाद आपका। और इधर से आ रही है पूरे कमरे में जो है उजाला, आजकल तो सुबह धूप आ जाता है। और एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, क्या कह रही तू? सूरज का सूर्य देव के दर्शन भी करा देना, तो यहीं से करा जाता। तो अभी ये है कुछ, तो देख लिया होगा आपने, मम्मी कुछ बोली थी, दोबारा बोल चल। आजकल के बच्चों को भूख नहीं लगती है, नींद नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है? पहले जमाने के आदमी सुबह उठते थे, पानी भर के लाते थे, ग्वाला जाते थे, गेहूं काटते थे, धान चूरते थे, कितना काम करते थे, खूब पसीना निकलता था, खूब लगती थी, कौं कौं करके पेट में आवाज आती थी, तब लगती थी भूख। आजकल के बच्चे बस मोबाइल पकड़ा, ऐसा करेंगे वो मुझ में देख देख के, और कुछ काम नहीं है, कुछ कर्म करते हैं नहीं करते हैं। अरे सुबह उठो, दौड़ने के लिए जाओ, खूब पसीना निकालो, और फिर पानी भर के लाओ, दूर दूर से ठंडा पानी भर के लाओ दारू से, हैं, और दूध पियो और चाय कम पियो, अपना मेहनत करो, कुछ न कुछ काम किया नहीं किया करके सोचना चाहिए। अरे काम नहीं करोगे, दिन भर पबजी खेलोगे, सोए सोए देखोगे, कहाँ से होगा? मेरी फोन की जो है मेमोरी फुल हो गई थी, तो मैंने कुछ वीडियो डिलीट मार के दोबारा स्टार्ट करा। चल वहीं से स्टार्ट कर जहाँ बोल रही थी, जहाँ तू बोल रही थी आजकल के बच्चों को नींद क्यों नहीं आती है, जितना आधा अटका था अभी, मतलब जहाँ अटकी थी, तो वो भी जहाँ से मैंने कट करा था, अटकी थी मैं, कहाँ से आएगी नींद दिन भर? कहाँ से आएगी, दिन भर सोए रहते हैं, दिन भर पबजी खेलने में, मोबाइल के खेल में, गेम में लगे, कहाँ से आएगी नींद? दिन भर को आदमी काम नहीं करता तो नींद कहाँ, जब शरीर थकेगा तभी तो नींद आएगी, कहाँ से आएगी? हमारे जमाने में ना, मैं सच कह रही, मैं झूठ नहीं कर रही, दिन भर पर्सा निकाला, पेट में पर्सा फेंका, नौ नौ रोटी इतने बड़े, फिर भी थोड़ी देर में फिर क्वा करने लग जाता था पेट, काम खाता है खाना, आदमी काम नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से भूख लगेगी, कहाँ से नींद आएगी? जब तक शरीर को खूब, शरीर का सर्कुलेशन मतलब काम करोगे तब पसीना बहोगे, तभी तो होगा, काम नहीं करोगे सोए रहोगे, मन लगे रहोगे। आजकल बच्चे कैसे करते हैं, ये कमर भी नहीं लगती है, ऐसे लगे रहते हैं, अरे काम करोगे तभी। ये तूने सही बोला याला, याला याला तूने सही बोला कि कमर भी नहीं लगती आजकल, ऐसा करती बिल्कुल लदा चाहिए। ये तो सही बोला। अरे हम इतने बुढ़े हो गए तब भी, 42 साल 43 साल उम्र होने वाली है, फिर भी मैं सोचती मैंने कुछ काम किया नहीं, बिल्कुल जुनून है अंदर, चाहे ताकत कम है, जुनून है अंदर कि मेरे को करना है। मैं सोचती हूँ कि किसी दिन मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने काम किया नहीं किया, क्योंकि भाई कर्म तो भगवान भी करता है, कर्म करना हमारा धर्म है, ठीक है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कितना काम किया करके भी हिसाब लगाना, क्योंकि मनुष्य का कर्म है, कर्म करना ही धर्म है। आजकल के बच्चों को देखो कमर इतना छोटे छोटे, क्यों रे, इतने 16-17 साल के, हम 16-17 साल के इतने बड़े लंबे थे और इतने तकड़े थे, आजकल के छोटे, वो खाना ही नहीं खाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, भूख ही नहीं लगती है, नींद ही नहीं आती है, क्या करेंगे, ऐसी है।
हम और सबके बच्चों से, हम अपने बच्चों से भी कह रहे हैं, सबके बच्चों से कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कि अपने बच्चे से नहीं कह रहे हैं, अपने बच्चे को भी समझा रहे हैं हम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सुबह उठो 5 बजे, दौड़ने जाओ 2 घंटे तक दौड़ करो, मतलब पूरे दिन भर का टाइम फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, क्योंकि 5 बजे मतलब 4 बजे ही 5 बजे तक मैं दौड़ूंगा, वहां से आऊंगा, 1 गिलास दूध पीऊंगा, फिर क्या हुआ, यहाँ पानी है तो नीचे धारे से फौला पानी लेके आऊंगा, उसके बाद अंदर झाड़ू लगाने में क्या हो रहा है, झाड़ू लगाऊंगा, बिस्तर उठाऊंगा, कुछ काम, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इंसान ने, कर्म करना ही धर्म है इंसान का। भाई मैं भी सोचती हूँ, मैंने किसी दिन काम नहीं किया ना, मैंने कुछ काम नहीं किया, मेरे को अंदर ही अंदर पछतावा होता है, क्योंकि करना पड़ता है आदमी को, जब काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। मेरी 9-9 रोटी ना मैं पोर्सा निकालती थी, गेहूं काटने जाते, घास काटो, 9-9 रोटी, वो भी इतने बड़े बड़े। मम्मी लोग 5 भाई बहन, 4 भाई बहन है, 4 बहने, हाँ 3 बहने, 1 भाई, 3 बहने, 1 भाई, हमारे और एक बहन बचपन में मर गई ना। हाँ, हमारे बुबू कहते थे सुबह उठो हाथ मुंह धो, उन दिनों कोलगेट, उन दिनों गरीबी ठहरी, कोलगेट नहीं होता था, तिमरा के दतून से दांत साफ करो, उसके बाद हाथ मुंह धो, और कपड़े धोने के लिए वो वाला साबुन जो पेड़ों से निकलता है, पेड़ों से निकलता है वो ना, पेड़ों से निकलता है रीठा साबुन, कोई जानता इतना प्लेंसी तो कोई भी नहीं है, और पहनने के लिए चप्पल नहीं होते थे, पहनने के लिए चप्पल नहीं होती थी, इतने बड़े चीरे पड़े रहते थे, मेरी शादी के दिन भी इतने बड़े चीरे पड़े थे मेरे पैर में चीरे तब पड़ते हैं जब ज्यादा ही काम करा जाता है, ज्यादा काम करना पड़ता था, करना भी पड़ेगा, डर भी था। अब वो बता, फिर वो टाइम अच्छा था या ये टाइम अच्छा है, वो टाइम अच्छा था, उस टाइम पे क्या इतना अच्छा लगा, उस टाइम में क्या अच्छा लगा, काम करते थे आदमी, कर्म करते काम थे। था तो आराम था, काम था, आराम था, ये फोन नहीं थे, चलो फोन की शुरुआत आराम अच्छी है, अब आराम करना आराम हो गया, अब आराम करना आराम हो गया, बिल्कुल आंखें भी कमजोर हो गई, आंखें 14 साल के बच्चे को चश्मा लगाने की जरूरत पड़ जा रही है आजकल, क्योंकि नजर बिल्कुल ऐसी तो आंख कमजोर हो गई भाई, तभी कहते कर्म करना अपना, चलो हम नहीं कहते कि फोन मत पकड़ो, चलो फोन भी पकड़ना चाहिए, आजकल का जमाना वही है, खेलना भी चाहिए, उसके लिए भी टाइम टेबल बनाओ ना, समझ गया मैं, पूरा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, सुबह उठो हाथ मुंह धो, तिमरा के दतून से कोलगेट करो, उसके बाद मंदिर के पास जाओ, 4 बार उठ बैठ करो भगवान से, मतलब उठ बैठ करो भगवान मैंने जो भी गलती किया माफ कर देना करके उठ बैठ करो, उसके बाद अपने काम में लगो, उसके बाद तो उससे जो एनर्जी आती है वो क्या बोली थी, काम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, वो नहीं यार जो तूने बोली थी यार कुछ तिमरा के दतून से, वो नहीं यार, हो गया रहने दे, भूल गई होगी, आप दूसरी वीडियो में डालेंगे, अभी तो बनती रहेगी, मैं कह रही हूँ मतलब नाराज, सो गाइस याली कमीज में आगे से दिखा रहा हूँ आपको, ये कमीज जो है पापा लाए थे मेरे, वो भी बिना बोले लाए, पापा भी तो तेरे शौकीन बाजी है, जबकि तेरे पास कितने थे फिर भी नहीं लाए, और ज्यादातर मैं बता दूं आपको अपने बारे में कि ज्यादातर कमीज पैंट सब पापा ही लाते हैं, आज तक मैंने अपने पैसों से बिल्कुल बहुत कम खरीद रखे थे, एक दो बार खरीद रखा है मैंने, मेरे पापा ही, मम्मी भी नहीं खरीदते हैं और मेरे पापा ही खरीदते हैं, तो मैं तो बहुत कम, मैंने शायद कपड़े 1-2 बार खरीदे होंगे खुद के, मैंने सब पापा ही लाते है तेरे लिए, एक चप्पल, एक जोड़ी चप्पल मंगाए तो 2 जोड़ी लाए, यहाँ एक जो अब रहने दिखाने की क्या बात, तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वीडियो लेकिन मतलब बच्चे को भी नाराज मत होना भाई, मैंने तो सही कहा, लेकिन सही भी कहा बुरा किसी को लगा, मैं भी तुम्हारी माई जैसी हुई हूँ, मतलब बच्चे हो मेरे, मैं अपने बच्चे से भी वही करती हूँ और दूसरे के बच्चे से भी वही करती हूँ, लेकिन मैं समझा रही हूँ उदाहरण करी भाई, कर्म करने के लिए मतलब काम करने के लिए टाइम टेबल बनाओ, किसी चीज इतनी देर तक हम ये फोन में खेलेंगे, इतनी देर तक हम काम करेंगे, 20 साल की उम्र तक आदमी को दोबारा बोलिया कट गया, अरे 20 साल तक की उम्र तक आदमी को कोई समझ नहीं रहती, 20 साल के बाद तो आदमी ने सोचना ही, अपने मन को भी मजबूर करना चाहिए भाई, अपने कर्म करना है, आगे के लिए सोचना है, नाराज मत होना भाई, हम अपने बच्चे से भी वही कर रहे, दूसरे के बच्चों से भी वही कर रहे, नाराज मत होना भाई। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए यूके वाला केविन, फेसबुक फॉलो करने के लिए केविन खोलिया, और आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, तो और अपने माँ बाप का कहना हर कोई बच्चा माने, बस उनको खुश रखे, तो बाय बाय इंडिया।